हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ कोटद्वार। कोटद्वार से मैं आपको ले चलूँगा सीधा सिद्ध बलि धाम, जिसे सिद्ध बलि मंदिर भी बोलते हैं। तो आधे रास्ते आकर के मैं शूट कर रहा हूँ और अभी मैं सीधा आपको वहीं ले चलता हूँ और वहाँ जा कर के फिर आपको सिद्ध बलि धाम के। मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है अभी, यहाँ का एक बहुत ही बढ़िया दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार देखो, आप देख सकते हैं दोस्तों कि मौसम कैसा हो रहा है। और मैं अभी निकला हूँ घर से और आधे रास्ते में आकर के शूट किया है आपको बताने के लिए। बाकी मिलते हैं सीधा सिद्ध बलि मंदिर। दोस्तों जो है, मैं बाइक चला रहा हूँ और हिमांशु पीछे बैठा हुआ है अभी, जो कि वीडियो शूट कर रहा है। तो मैं आपको कुछ दिखा दूँ अभी। फाइनली यार दोस्तों, मैं जो है पहुँच गया हूँ सिद्ध बलि मंदिर। और जो आप गेट देख रहे हैं, ये है सिद्ध बलि मंदिर का गेट। और बाकी मैं आपको इधर दिखाता हूँ, जो फ्रंट गेट है इधर अपना शू रैक है, जो जिधर अपने जूते रखे जा सकते हैं। और ये हमारे मंदिर का जो है भव्य गेट, सिद्ध बलि धाम। सीधा सिद्ध बलि धाम, सिद्ध बलि मंदिर के प्रांगण में, और आपको भी दर्शन करवाते हैं आज बाबा जी के। तो चलिए, यहाँ पे श्री सिद्ध बलि बाबा वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव सन 2021 का भी बोर्ड लगा हुआ है, वो जो है हो चुका है। और हम सीधा बाबा के दर्शन करने बाबा के धाम को चलेंगे। तो चलते हैं हम। तो दोस्तों बहुत सुंदर है, बाकी अभी आपको ऊपर ले चलता हूँ और जो है आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सी जगह वहाँ से दिखाऊंगा। मुझे चढ़ते हुए खुशी होने लगा। अभी नीचे कुछ दृश्य देखिए ऐसा है। तो ये मंदिर है अपने हनुमान जी का, और आज इसे संजोग से कहिए आज मंगलवार है। और मैं जो है यहाँ दर्शन के लिए आ चुका हूँ और आप सभी लोगों को भी दर्शन करवाऊँगा। शायद आप ये वीडियो कल देखें, बट बाबा का आशीर्वाद सभी को मिलेगा। जैसा आप देख रहे हैं, मैं जो है अभी सिद्ध बलि मंदिर के आंगन में पहुँच गया हूँ। यहाँ से जो है सीढ़ियाँ ऊपर, मैं भी आपको वो भी दिखाऊँगा जहाँ से हम सीधा सिद्ध बलि बाबा मंदिर के लिए जाएँगे। और यहाँ पर जो है मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो है प्रसाद अपना नारियल फोड़ा जाता है इस जगह पे। तो शायद हमारे भैया फोड़ेंगे भी एक नारियल। जय सिद्ध बलि बाबा। तो यहाँ पे जो है बिना मास्क के आप प्रवेश नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिर काफ़ी टाइम तक बंद रहा था और हमने मास्क लगा लिया है वापस से। सैनिटाइज किया गया है हमें, हमारे हाथों को, और टेम्परेचर भी उन लोगों ने जो है चेक किया। आपको एक बार सामने का दृश्य दिखा देता हूँ। देखिए सामने जो है इस तरीके से बना हुआ है। मैं तो मास्क उतार लिया, अभी वीडियो शूट करना था इसलिए। तो आप कभी भी आए सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार उत्तराखंड, आए और बाबा का आशीर्वाद लें। मैं आपको बाकी वीडियो में आगे बनाता हूँ और आपको आगे लेकर के चलता हूँ। दोस्तों यह है हमारा सिद्ध बलि मंदिर, और एक बार आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे जो है सिद्ध बलि बाबा के। मैंने कर लिए, आप भी जो है आशीर्वाद लें सिद्ध बलि बाबा का, और भविष्य में कोशिश करें कि यहाँ जरूर आएँ। जय श्री राम, जय सिद्ध बलि बाबा। देखिए किस तरीके चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जिस पुल से हम आए थे, देखिए कितना छोटा दिख रहा है सामने वो पुल। मैं दिखा दूं आपको, तो वो रहा पुल सामने जहाँ से हम आए थे। तो आप भी देखिए और आनंद लीजिए इस चीज़ का। दोस्तों जो है हमें जो है टीका लग चुका है, मैंने बजरंग बली महाराज जी का आशीर्वाद ले लिया है यहाँ से। और अब देखिए हम आगे की जर्नी कैसे करते हैं पूरी। और मैं अभी आपको ले चलता हूँ यहीं बाबा के प्रांगण में। ही एक छोटा सा मंदिर और बना है, वो है हमारे शनिदेव महाराज जी का। मैं शनिदेव महाराज जी के मंदिर ले चलूँगा
और आपको शनिदेव महाराज जी के दर्शन भी करवाता हूँ। और ये देख सामने क्या दृश्य है, ये हमारा जो है सामने सारा शहर दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलता हूँ सीधा शनिदेव मंदिर, जो कि हमारे यही इसी मंदिर में और इसी मंदिर के प्रांगण में बना हुआ है। तो चलते हैं और मैं आपको वो मंदिर भी दिलाता हूँ, दिखाता हूँ, और उनका जो है हमारे शनिदेव महाराज जी के जो है दर्शन भी करवा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो अभी से मैं जो है शनिदेव बाबा जी मंदिर में आता हूँ। मैं हमारे शनिदेव महाराज जी की, शनिदेव महाराज जी की जय हो। दर्शन कर लीजिएगा, ये जो है हमारे सिद्धबली मंदिर में ही विराजमान है। ये आपको मैंने अभी जो है सिद्धबली मंदिर दिखाया, ये ठीक सिद्धबली मंदिर के पीछे का व्यू है। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर दृश्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि मैं इधर फ्रंट कैमरे से ले रहा हूँ, तो मैं इसको आपको एक बार बैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है अपना, यहाँ से आप पानी का शोर सुन रहे होंगे, पानी की आवाज़। तो इस तरीके का कुछ दृश्य है जिसको आप इंजॉय करें और देखें। और आपका जब कभी भी उत्तराखंड कोटद्वार आने का हो तो आप इस मंदिर में ज़रूर आएं, बाबा का आशीर्वाद ज़रूर लें। यह है सिद्धबली मंदिर की खूबसूरत सजावट। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो गेट है, ये मंदिर का सबसे पुराना गेट है, जो सबसे पहले यहाँ से यूज हुआ करता था। पहले आने जाने के लिए इसी एक ही गेट को यूज़ करते थे, बाद में जो है सब कुछ यहाँ पे जो नवीनीकरण हुआ गया वो सब किया गया है और मंदिर को जो है सुंदर और बनाया गया। पहले यहाँ से बिल्कुल हम ऐसे चढ़ जाते थे ऊपर। दोस्तों जो है दर्शन तो हो गए हैं मंदिर के, आप जैसे देख रहे हैं अभी तो मंदिर के प्रांगण में ही खड़ा हूँ और जो है मंदिर से निकलने की तैयारी चल रही है। बाबा के दर्शन हो गए हैं, सिद्धबली बाबा के दर्शन भी हो गए हैं, हमारे शनिदेव महाराज जी के दर्शन भी हो गए हैं, भोले बाबा जी के दर्शन हो गए, नंदी बाबा के दर्शन हो गए। तो अभी यहाँ से मंदिर से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा कुछ काम भी है। तो निकलते हैं दोस्तों और मिलता हूँ मैं आपको ठीक नीचे मुख्य द्वार पे। दोस्तों हम पहुँच गए हैं बिल्कुल नीचे, अभी मंदिर से बिल्कुल उतर चुके हैं, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल मुख्य द्वार। यहाँ से कुछ ही सीढ़ियाँ रह गई हैं और यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे दृश्य कुछ ऐसा होता है और आज भी जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आ गया हूँ वापस घर सिद्धबली मंदिर से, और आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।